और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे राज्य के मुखिया, हमारे ऊर्जावान और स्वप्न दृष्टा मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी से हम निवेदन करते हैं और सम्माननीय विशिष्ट अतिथि गणों से निवेदन करते हैं, कृपया आज की संध्या में दीप प्रज्वलित करने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और सम्मानित विशिष्ट अतिथि गण, सम्मानीय अतिथियों के कर कमलों से प्रज्वलित हो रहे ये दीप आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन का नहीं बल्कि एक ऐसी यात्रा की शुरुआत का संदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक दीप से निकल रही रोशनी छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचेगी और प्रदेशवासियों को ये संदेश देगी कि हम सब मिलकर अपने राज्य की प्रगति के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे चलें, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ अपनी परंपरा, अपने विचार और अपनी धरती की समृद्धि के लिए सदैव समर्पित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथिगण। हम अपने बीच सम्मानीय अतिथियों को पाकर बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहे हैं और ये अनुभव तब और बढ़ जाता है जब हमारे सम्मानीय अतिथि हमारे स्वागत को स्वीकार करते हैं। अब हम माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत जी को आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करते हैं। फोन करते हैं थोड़ी देर में। स्वागत करेंगे अति विशिष्ट अतिथि माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महन जी का। आप स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री नानाभाऊ पटेले जी का। आप स्वागत करेंगे माननीय श्री टी एस सिंहदेव मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आप स्वागत करेंगे माननीय श्री रामविधर साहू जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आप स्वागत करेंगे माननीय श्री रविंद्र चौबे जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का। आप स्वागत करेंगे माननीय डॉक्टर प्रेम साय श्री टेकाम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का। आप स्वागत करेंगे माननीय श्री मोहम्मद अकबर मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का। आप स्वागत करेंगे माननीय श्री कवासी लखमा मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का। आप स्वागत करेंगे माननीय डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का। आप स्वागत करेंगे माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का। आप स्वागत करेंगे माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल मंत्री छत्तीसगढ़ शासन का। आप स्वागत करेंगे माननीय श्री विकास उपाध्याय जी विधायक रायपुर पश्चिम। आप स्वागत करेंगे सभी अतिथियों का स्वागत है, अभिनंदन है मंचस्थ अतिथियों का, अभिनंदन है मंच के समक्ष पधारे समस्त अतिथियों का अभिनंदन। विधानसभा उपाध्यक्ष माननीय श्री मनोज मंडावी जी का हम स्वागत करते हैं, स्वागत करेंगे माननीय संस्कृति मंत्री जी।
माननीय श्री मनोज मंडावी जी का स्वागत किया संस्कृति मंत्री महोदय ने। और स्वागत उद्बोधन के लिए हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं संस्कृति मंत्री माननीय श्री अमरजीत भगत जी को। स्वागत उद्बोधन। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, हम सबके नेता परमादरणीय भूपेश बघेल जी, इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्री नानाबाऊ पांडुले जी, विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष माननीय चरणदास महंत जी, मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री टी एस सिंह देव जी, माननीय श्री ताम्रदत्त साहू जी, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी टेकाम, माननीय मोहम्मद अकबर जी, माननीय कवासी लखमा जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय मनोज मंडावी जी, भाई विकास उपाध्याय जी, विधायक रायपुर कुलदीप जुनेजा जी, योगेंद्र शर्मा जी, श्रीमती शारदा वर्मा जी, प्रमोद दुबे जी, अन्य उपस्थित हमारे विधायक साथी और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहम्मद अरगाम जी, भाई गिरीश देवांगन जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, प्रेम नायक जी, लखेश्वर बघेल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी मंडल साहब, संस्कृति विभाग के सचिव परदेसी जी, प्रबंध संचालक भाई अनिल साहू जी, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण और उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, माता एवं बहने और छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए सभी दर्शक भाई एवं बहनों, सभी प्रेस के साथी और देश और प्रदेश से आए हुए सभी अतिथिगण और सभी कलाकार बंधु, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के 3 दिवसीय इस आयोजन के समापन मेला पर आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री भूपेश बघेल जी को मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने दिल खोल करके इतना बड़ा आयोजन किया है। आयोजन तो सही करते हैं, लेकिन इतना भव्य आयोजन जिसका खनक, जिसका झनक पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान बॉर्डर के उस पार भी जा रहा है, कोने कोने से इस आयोजन का आगाज और इस आयोजन का हवा चारों तरफ फैल रहा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नानाबाऊ पाटले जी जो महाराष्ट्र से चलकर हम लोगों के बीच आए हैं, माननीय चरणदास महंत जी जो अपने व्यस्तम समय में से हम लोग के बीच आज लगातार दूसरे दिन दे रहे हैं, उनका भी मैं आयोजन में जो सहभागिता रही उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस आयोजन में देश प्रदेश के लगभग 25 राज्य और अलग अलग
केंद्र शासित प्रदेश एवं छह देशों के प्रतिभागी दल और उनके लीडर्स आए, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करता हूँ। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का समारोह छत्तीसगढ़ के स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखे जाने वाले आयोजन में अविस्मरणीय होगा। इस आयोजन की परिकल्पना में हमारे राज्य के आदिवासियों के सर्वांगीण विकास का सपना देखने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य कला संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ विश्व पटल में जनजातीय संस्कृति के आदर, जिसमें प्रकृति के संरक्षण के साथ धरती और उसमें निवास करने वाले प्राणियों के साथ सह अस्तित्व की भावना का संदेश को अपना रहा है, सम्मिलित कर रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय अपने नृत्य, संगीत, रीति रिवाज और धार्मिक आस्था के अनेक विविधताओं का पालन करते हुए भी एकजुट है। इनकी पहचान प्रकृति के रूप में है, उनके पुत्र के रूप में है। जनजाति के संस्कारों की विविधता में प्रकृति के साथ जीने की एक कला का संदेश जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के इस रंगारंग सफलता में हमारे देश के 25 राज्यों के एवं केंद्र शासित प्रदेशों के तथा छह देशों के आए लगभग 1500 से अधिक कलाकारों की प्रस्तुति बार बार देखने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ की अतिथि परंपरा का पालन करने के लिए हर कदम पर अतिथियों का सुविधाओं और मर्यादाओं का ख्याल रखा गया, जो अतिथियों के प्रदर्शन से इसका आभास प्रकट हो रहा था। इस कार्य में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस त्रिदिवसीय महोत्सव में हमारे राज्य के खुशहाली विकास और उपलब्धियां, हस्तशिल्प, व्यंजन आदि की प्रदर्शनी और स्टॉल भी सम्मिलित है, जिसमें छत्तीसगढ़ की विविधता, वैभव और परंपरा से जुड़ा रहा है। इस महोत्सव में पुरस्कार के लिए चयनित प्रतिभागियों के राज्य और दल के उन उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक सराहना करता हूँ। मैं राज्य शासन की ओर से महोत्सव में सम्मिलित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा अन्य राज्यों से सम्मिलित प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी कलाकारों, मंचस्थ अतिथिगण और सभी नागरिकों का आगमन और सहयोग के लिए सराहना करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन शब्दों के साथ कि अवश्य अविस्मरणीय रहेगा आपका ये प्यार, मिलते रहेंगे हम यूं ही बारंबार, किस किस का शुक्रिया अदा करूं, आप सबका हृदय से अनंत आभार, आप सबका हृदय से अनंत आभार। जितना दिल खोल करके आपने आयोजन किया माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं नहीं सोचता हूं कि आपने कोई कसर छोड़ा। आपने हम जो जो कहा आपने हर बात को पूरा किया, और बस्तर से लेकर के सरगुजा तक और उत्तर से लेकर के पश्चिम तक चारों दिशा से लोग उमड़ करके आए, और उन कलाकारों के इस्तकबाल में, उनके स्वागत में कोई कसर आपने नहीं छोड़ा। आदिवासियों की कला और संस्कृति को आप देश और विदेश के पटल पर स्थापित करने के लिए दिल खोल करके आयोजन किया। सही माने तो आप आदिवासियों के मसीहा हैं, उनका दिल जीत लिया है आपने, और जो उनके दिल में के करीब रहता है वो उनके मुखाग्र से प्रकट होता है। मैं जो कह रहा हूँ दिल की आवाज है माननीय मुख्यमंत्री जी। और कई जगह इस साल में हमने घूमे, कई लोगों से बात किया, सभी लोगों ने एक ही बात कहा कि इसको आप हर साल आयोजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहिए, और देश और विदेश के लोग आ रहे हैं तो इसको ग्लोबल का नाम दें, ग्लोबल ट्रैवल वीक का नाम दें, ताकि इस प्रदेश का नाम देश और विदेश में और लोग जानने लगे, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस प्रदेश के लिए एक पहचान बने। मैं अंत में इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अंत नहीं, ये तो शुरुआत है।
कला की रोशनी से सजी रात है, कभी न भूलेंगे हम इस महफिल को, जिंदगी की ये यादगार मुलाकात है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी अधिकारी मदद किए, सभी लोग आकर के इस कार्यक्रम को सफल किए, सभी लोगों के प्रति साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री महोदय, आपके सारगर्भित स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब पूरे सम्मान के साथ और सर्कल ध्वनि के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के माननीय विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को। माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आज के राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के समापन के अवसर पर हम लोग आए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। 3 दिनों तक पूरे छत्तीसगढ़ में इस उत्सव महाउत्सव की चर्चा होती रही, टीवी देखते रहे, टीवी में मुख्यमंत्री को नाचते हुए, राज्यपाल महोदय को नाचते हुए, हमारे अध्यक्ष महोदय को नाचते हुए, मंत्रीगण महोदय को नाचते हुए देखते रहे। शायद आज की रात और देखेंगे, कल से छत्तीसगढ़ सुना सुना लगेगा। ये अवसर ऐसा है जो हम चाहते हैं कि हमेशा ऐसा माहौल बना रहे, और ऐसा अवसर देने के लिए मैं भाई भूपेश बघेल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत उनको आशीर्वाद भी देता हूँ। और आने वाले वर्षों में जैसे कि लोगों ने मांग की है, इस तरह के आयोजन के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश को आनंद लेने का अवसर दें, आनंदित होने का अवसर दें, और अपने जो संस्कृति है, आदिम संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, इसको जन जन तक पहुंचाने में उनकी जो साथियों ने मेहनत की है, सभी मंत्रीगणों ने मेहनत की है, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर हम जिनको चाहते थे वो तो आए नहीं, माननीय भूपेश बघेल जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान है, भाई नाना पटोले जी जो पड़ोस के महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आज विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अमरजीत भगत जो कि संस्कृति मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अच्छा आयोजन करके सबका सहयोग लेकर जो एक ऐतिहासिक उत्सव छत्तीसगढ़ को दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही हमारे समस्त मंत्रीगण, आदरणीय धीरज सिंह देव साहब, आदरणीय भाई ताम्रध्वज साहू जी, आदरणीय रविन्द्र चौबे जी, आदरणीय प्रेम साय एकाम जी, भाई मोहम्मद अकबर जी, भाई कवासी लखमा जी, शिव गहरिया जी, और हमारे अध्यक्ष मरकाम जी, हमारे उपाध्यक्ष महोदय विधानसभा के, इन सब का जो एक सहयोग रहा, हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, और आपके अधिकारीगणों ने, विशेष करके मंडल जी ने, परदेशी जी ने, बहुत सारे आपके जो अधिकारी इसमें संलग्न रहे संस्कृति विभाग के, मैं सबको बहुत बहुत आज धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है साथियों कि यहाँ इतने सारे कला साधक आए हैं। पहले तो मैं उनको नमन करना चाहता हूँ उनके कला के लिए, उनके नृत्य के लिए, उनके गाने के लिए, बजाने के लिए। उन सबको नमन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जितना शांत प्रदेश है उतना ही यहाँ प्रेम बसता है, और इस प्रेम को हमारे पुरखों ने दिया है, चाहे कबीर साहब हो, चाहे बाबा हमारे घासीदास जी हों, इन दोनों ने यहाँ की शांति, यहाँ की एकता, यहाँ की समरसता,
को इस तरह हमारे रग रग में पिरो दिया है कि हम सब यहाँ प्रेम से सराबोर रहते हैं और उसका आनंद हमारे जो बाहर के सैलानी आए हैं उनने देखा होगा। और आपने जो चार दिनों में तीन दिनों में जो प्रेम प्रदर्शित किया है उसको देखा होगा और यही आपका प्रेम लोगों को पहले से पता है, इसलिए आपने बुलाया 1300 लोगों को, आए 1800 लोग। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि आमंत्रण आपने सिर्फ 1300 को दिया और यहाँ इतने प्रेमी लोग मिले कि 1800 लोगों ने आकर यहाँ अपनी प्रस्तुति दी। 25 राज्यों से हमारे साथी आए, हमारे नर्तक भी आए, हमारे गायक भी आए और 3 यूनियन टेरिटरी से आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 6 देशों से यहाँ लोगों ने अपनी उपस्थिति दी है, अपना नृत्य प्रस्तुत किया है और ऐसा लगा कि उनके आंतरिक भाव जो है वो हमारे भाव से बिल्कुल मिलते हैं और हम सबका दिल एक साथ धड़क रहा था इन 3 दिनों में। इसके लिए जो अवसर दिया इस महाकुंभ में जो हमारे साथियों ने आनंद लिया उसके लिए मैं यहाँ बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय भगत जी का और हमारे सभी मंत्रीगण के सदस्यों का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आने वाले वर्ष के लिए। आने वाले वर्षों में इसी तरह से जब अपन राज्य उत्सव मनाते हैं भाई जी, ऐसा कुछ कर जाइए कि राज्य उत्सव के साथ साथ आदिवासी नृत्य भी हमारा चलता रहे। मेरी एक मेरी बिटिया भी आई है, अब आते हैं उसने कहा कि यहाँ नेशनल डांस फेस्टिवल लिखा है, इसको इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल लिखा है। तो आने वाले दिनों में यहाँ इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल हो इस बात का आप ख्याल करें और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी। निश्चित रूप से आपके वचनों से प्रेरित होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम हम सभी रोशन करेंगे। हमारे इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को निहारने हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र की शुभकामनाएं लेकर आए हैं महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री नाना भाऊ पटोले जी। हम ससम्मान उन्हें आमंत्रित करते हैं, कृपया आए और अपने प्रेरक वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय श्री नाना भाऊ पटोले, अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस बड़े आयोजन में इस राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई भूपेश जी बघेल, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष हमारे सतीश चंद्रदास जी मंडल, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, मैं हमारे महाराज टी एस सिंहदेव मंत्री जी, रामदेव शाहू जी, रविंद्र चौबे जी, प्रेम सैयद एकाम जी, मोहम्मद अकबर जी, हमारे कवासी लखमा जी, हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे विधायक, सभी मंत्रीगण, राज्य के सभी प्रमुख अधिकारी और बड़े तादाद में आए हुए सभी हमारी माता बहना, हमारे सभी बुजुर्ग युवा साथी और देश और विदेश से आए हुए सभी कलाकार, मैं सबसे पहले राज्य के ऊर्जावान मुख्यमंत्री उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे राज्य की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आदिवासियों का
उनकी कलाओं को और मजबूती से इस देश में नहीं तो दुनिया में इस कला को पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और आदिवासी के जनजीवन में एक नई ऊर्जा लाने का एक संकल्प हमारे छत्तीसगढ़ के ऊर्जावान मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रीगण के साथी उन्होंने ये अभियान जो शुरू किया है उसको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि आदिवासी की शुरुआत ही फिर शादियां हो कोई उत्सव हो ऐसे सब जगह में आदिवासियों में नृत्य ये सबसे बड़ा उनका कला का एक साधन रहा है और अभी नई जनरेशन में इस कलाओं को लुप्त होने का काम शुरू हुआ है और इसलिए एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ में करकर देश और विदेश के सभी कलाकारों को यहाँ पर जमा करकर गए तीन दिन से एक जो बड़ा आयोजन किया है मुझे लगता है कि आदिवासी के जीवन में एक नई क्रांति एक नया जोश हमारे आदिवासी जीवन में जन जीवन में आने वाले कल में आएगा। हम भी छत्तीसगढ़ में किसानों का राज्य बड़े पैमाने में इस राज्य में किसान रहते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से और यहाँ की सरकार ने जिस तरह से किसानों के दान को जो ज्यादा दान देकर किसानों को जो मदद दी है किसानों का कर्जा माफ करके किसानों को जीने की एक राह दी है मैं इसलिए राज्य की सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के लिए भी ये सरकार छत्तीसगढ़ में अच्छे से काम कर रही है और महाराष्ट्र की तरफ से क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ विदर्भ से और छत्तीसगढ़ ये वैसे भी हम जब सुजान बेरार में थे तब नागपुर हमारी राजधानी थी भोपाल से लेकर रायपुर से लेकर सब हम लोग साथ में थे लेकिन जब विभाजन हुआ तब हम लोग फिर तो महाराष्ट्र में चले गए लेकिन आज भी महाराष्ट्र में 36 जिले हैं 36 और उसमें 20 जिले वो आदिवासी जिले करके प्रभावित हैं और छत्तीसगढ़ और विदर्भ इसके कल्चर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है और इसलिए जो आयोजन यहाँ पे किया गया है इसका प्रभाव हमारे महाराष्ट्र में भी पड़ेगा और मैं यही कहने आया हूँ कि जैसे अभी सांस्कृतिक मंत्री जी ने कहा और हमारे स्पीकर महोदय ने भी कहा कि ये प्रोग्राम हर साल शुरू रहना चाहिए बिल्कुल आप इस प्रोग्राम को हर साल करने का आप आयोजन करिए और मैं महाराष्ट्र सरकार को भी विनती करूंगा कि आदिवासी जनजीवन को नई प्रेरणा देने के लिए महाराष्ट्र में भी इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाए ये महाराष्ट्र सरकार को भी हम निश्चित रूप से वहाँ पर सूचित करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सब आए हुए कलाकारों को भी मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र की जनता की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और मेरे दोस्त पूरे कप्तान जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नाना भाऊ पटोले जी। निश्चित रूप से हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र तक भी छत्तीसगढ़ के इस आयोजन की गूंज पूरे तीन दिनों तक पहुंच रही होगी और हमारी यही कामना है कि ये गूंज हर दिन यूं ही गूंजती रहे। जो कार्य अब तक हम ये समझते थे कि कैसे होगा, इतना बड़ा आयोजन जिसमें न सिर्फ देश के विभिन्न प्रदेशों की टीमें बल्कि 6 देशों की टीमें 3 दिवसीय इस आयोजन की तैयारी के लिए विगत कितने हफ्तों से तैयारियां चल रही होंगी और आज जितनी सफलता के साथ ये आयोजन यहाँ पूर्ण हो रहा है उस सफलता के पीछे जिनका मार्गदर्शन है
वे कौन हैं? वे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी। हम तालियों से अभिनंदन करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि इस आयोजन के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री भूपेश बघेल जी को आमंत्रित करते हैं कि कृपया आए और अपने प्रेरक वचनों से हम सबके उत्साह में वर्धन करें। कैसे लगे? राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन अवसर में हमर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर चरणदास महन जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य महाराज सरगुजा टी एस सिंहदेव जी, आदरणीय ताम्रध्वज भैया, आदरणीय रवि चौबे जी, आदरणीय अकबर भाई, आदरणीय डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, भाई कवासी लखमा जी, भाई अमरजीत भगत जी, अनिला भेड़िया जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मनोज जी, पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय कुमार मकाम जी, अनिता शर्मा जी, विकास उपाध्याय जी, सुधीर जुलेजा जी, लतेश्वर बघेल जी, सब हमारे सब साथी मत उपस्थित, हमारे जूरी के सब सदस्य मत, हमारे चीफ सेक्रेटरी आदरणीय आर पी मंडल जी और सब साथी मत उपस्थित, सब कला प्रेमी, सबो भाई बहनी मन, नौजवान साथी मन और लड़का मन और पत्रकार संगवारी मन, हिंदी में छत्तीसगढ़ी में आवाज नहीं आते तो नारा लगाओ छत्तीसगढ़िया, आवाज थोड़ी कम आते छत्तीसगढ़िया। जब एक आयोजन के बारे में मैं सोचे तो मन में थोड़ा शंका रही थे, थोड़ी डर हो लागत रही थे, पता नहीं कैसे हुई, हो पाई नहीं हो पाई, कब का सहयोग मिल पाई, कावर के पहली आयोजन है, लेकिन सबके साथ मिले कि हमारे मंत्री मन खुद अपन अलग अलग राज्य में जाके नेता देवर की हमारे वरिष्ठ विधायक साथी में भी देश और प्रभाव ये हुई कि हमारे देश के 25 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी के कलाकार मना है और 6 देश के मन भी कलाकार मना है और आप सब लगातार 3 दिन से इस कार्यक्रम के सफलता पर लगे भी रहे, लेकिन उत्साह वर्धन पर अतिक जार सीट में खूब ठंडा होए बावजूद भी हमारे जन छत्तीसगढ़ के कोना कोना से आए हमारे कला प्रेमी मन सुबह 9 बजे से ये पंडाल भरे रहे थे। मैं पटोले जी कहा था सुबह 9 बजे से ये कैसी भीड़ आ जाती, लेकिन छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति के प्रति शुरू से बड़ा रुझान रहे, प्रेम रहे और कारण से यहाँ तो रात भर नाचा देखे परंपरा है, गांव नाचा हो गए तो पोता बिछा के बैठी रे रात भर नाचा हो ये पंख पंगा जैसे उतर बाद शुरू जू जैसे तबल नाचा देखा तो मैं सब जन के भागीदारी रहे है, हमारे अधिकारी मन खूब मेहनत करे है, गांव व्यवस्था में एक एक चीज को बारीकी से देखे है, मैं मतलब बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ हमारे सब साथी मल भी बधाई और धन्यवाद और हमारे जते भी जुरी मनाए हैं उन्होंने गोवा से आए, महाराष्ट्र आए, झारखंड से आए, अलग अलग प्रदेश से आए और समय निकाले 3 दिन तक के, वो मल हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिनके यहाँ रही के अपन उपस्थिति मात्र से ही हमारे कला प्रेमी मल उत्साह वर्धन करे में सफलता मतलब मिली से धन्यवाद।
हमारे छत्तीसगढ़ कोई भी ऐसे काल नहीं है जिसमें छत्तीसगढ़ के महत्व नहीं हुई। त्रेता युग में भी भगवान राम के ममा गांव के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ ले जाने जाते, ननिहाल के नाम से जाना जाते, माता कौशल्या के मैके के रूप में जाने जाते, और वनवास हुई तो भगवान राम सबसे ज्यादा समय बिताया है हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया। और यदि माता सीता ले भी वनवास हुई तो यदि पुलिस स्थान मिले तो हमें छत्तीसगढ़ में मिले। द्वापर में भी भगवान कृष्ण अर्जुन भरतवर्ष के परीक्षा ले बर रही तो हमारे छत्तीसगढ़ में आए। यदि हम बौद्ध काल को देखें तो सिरपुर हमारे जीता जागता उदाहरण है। नालंदा के बाद सबसे बड़े सेंटर बौद्धिस्ट मंदिर मिले तो हमारे छत्तीसगढ़। आजादी के लड़ाई में हमर श्याम मन पुरखा मन शहीद वीर नारायण सिंह जी जिन 1857 में शहीद हुए, जंगल सत्याग्रह समाज सुधार के दिशा में पंडित सुंदरलाल शर्मा, गुरु घासीदास जी की तपोभूमि, सब हमारे ऋषि मुनि मन के तपोभूमि में छत्तीसगढ़। तो हर काल में छत्तीसगढ़ के अपन महत्व रहे हैं, लेकिन पिछले 15 साल से मैं देखा था कि छत्तीसगढ़ के नाम राष्ट्रीय क्षितिज में तब आती थी जब नक्सली घटना हो जाए, तब कहूँ हमें नेशनल न्यूज में स्थान मिला से और लोग नहीं जाना थे कि हम नक्सल बहुत थे। लेकिन पिछले 1 साल से हमें छत्तीसगढ़ न जाने जाते, ये छत्तीसगढ़ जहाँ सब किसान के ऋण माफी हुए, ये वो छत्तीसगढ़ यहाँ 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी जाते, न केवल हिंदुस्तान बल्कि पूरा दुनिया में भी सबसे ज्यादा धान की कीमत है छत्तीसगढ़ में। हर परिवार 35 किलो चावल देने वाला छत्तीसगढ़, ये हमर सियान मन पुरखा मन जो कल्पना कर रही से कि समृद्ध छत्तीसगढ़ होना चाहिए, मजबूत छत्तीसगढ़ होना चाहिए, 1 साल में ये सब काम हम करे हैं। आप सबके सहयोग से हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी मन बैठे हमारे पुरखा मन के आशीर्वाद से करे हैं। और कला और संस्कृति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की कोई सानी नहीं है। 5000 साल पुराना नाट्यशाला गाँव है तो हमारे छत्तीसगढ़ में है। आदिवासी मन के कला, हमारे अनुसूचित जाति मन के पंथी नृत्य, हमारे बेटी माई मन के सुवन नृत्य का कहानी हमारे यहाँ। और आज जब कार्यक्रम करें तो संस्कृति के छटा है वो कमजोर है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि सीमा पार पूरा दुनिया में कर खबर चलत है। छत्तीसगढ़ के नाम लगे प्रकाश हम 1 साल में रोशन करे हमें सफलता मिली तो आप सबके सहयोग और समर्थन से मिले हैं। तो मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रहा हूँ, काबर के आप मन से उत्सुकता भी है, 3 दिन ले देखे हो तुम न अलग अलग राज्य के कार्यक्रम में देखे हो, आपके मन में उत्सुकता भी हुई कि कौन राज्य के मन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, ओकरो उत्सुकता आप मन ले हुई है कि नहीं है। अभी डिक्लेयर होने तो वाला मोर भादन सिराई तन कौन दूसरा पहला तीसरा आठ जगह डिक्लेयर हुई। एक बात आप मन से पूछना चाहता हूँ, हमारे नेता मन कहे कि हर साल एक कार्यक्रम होना चाहिए, आप मन से पूछना चाहता कि हर साल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, हाथ उठा समर्थन होना चाहिए। सभी जन कहा थे कि हर साल होना चाहिए। हमारे राज्योत्सव होते 1 तारीख के तो 2 दिन हमारे राज्योत्सव मनाबो, हमारी स्थानीय कलाकार मन मौका देवो, और 3 दिन राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव नृत्य महोत्सव हम करबो। 3 दिन तक के जन है तुम चली, 2 दिन हमार यह स्थानीय कलाकार मन ला और 3 दिन फिर पूरा देश के कलाकार, 5 दिन के राज्योत्सव हुई और उन्हें हमारे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की घोषणा में करो था अगले साल भी हुई। एक साथ आप सब जैन उत्साहवर्धन करे
समापन के सहयोग और समर्थन से ये सफल हुई से गर्वर आप सब बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी लग विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आने वाले नए साल 2020 के लिए आपने अभी से जो घोषणा की है, इस घोषणा के बाद हम यही कहना चाहेंगे कि मुश्किल था ये काम आपने कर दिया आसान, मुश्किल था ये काम आपने कर दिया आसान, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, हमारे राज्य का नाम यूं ही आगे बढ़ते रहेगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा यूं ही आगे बढ़ते रहेगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश हमारा, आओ मिलकर करें हम मातृभूमि को प्रणाम, आओ मिलकर करें हम मातृभूमि को प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम उन नृत्य दलों को पुरस्कृत करने जा रहे हैं जिन्होंने इस मंच पर अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दी। तो इनकी शुरुआत विवाह और अन्य संस्कार वर्ग से। और विवाह एवं अन्य संस्कार वर्ग में सांत्वना पुरस्कार के लिए हम जोरदार तालियों की आवाज के साथ आमंत्रित कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश को कयांग नृत्य, आमंत्रित करते हैं उनके प्रतिनिधि श्री बिजलाल जी को। 25,000 रुपए का चेक दिया जा रहा है सांत्वना पुरस्कार के रूप में। हिमाचल प्रदेश को कयांग नृत्य के लिए मंच पर आमंत्रित हैं श्री बिजलाल जी। 25,000 का चेक और प्रमाण पत्र। साथ ही स्मृति चिन्ह, छत्तीसगढ़ का हस्तशिल्प बेल मेटल के माध्यम से, और अब बारी है तृतीय संयुक्त पुरस्कार की, जिसके लिए हम सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहे हैं। तृतीय स्थान प्राप्त किया है लद्दाख के विवाह नृत्य ने और आमंत्रित हैं श्री सोनम सोपोरी जी। जोरदार तालियां तालियां अनवरत बजनी चाहिए सोनम सोपोरी जी और उनके साथ ही मंच पर हैं। तृतीय पुरस्कार 2,00,000 रुपए की राशि, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह। तृतीय में ही दूसरे स्थान पर है तृतीय का जो संयुक्त पुरस्कार है उसमें हम आमंत्रित कर रहे हैं सिक्किम को तमाम सेला नृत्य के लिए सुश्री गायत्री राय और उनके साथी। तालियों से अभिनंदन, तालियों से अभिनंदन सभी कलाकारों का। संयुक्त रूप से दिया जा रहा है तृतीय पुरस्कार लद्दाख और सिक्किम को 3,00,000 रुपए की राशि, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह। और अब द्वितीय पुरस्कार, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है विवाह और अन्य संस्कार वर्ग में झारखंड ने दंगल नृत्य, आमंत्रित है श्री किशोर नायक और उनके साथी। विवाह और अन्य संस्कार वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है झारखंड के दंगल नृत्य ने। इन्हें 3,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। और अब छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे बड़ी पुरस्कार राशि प्रथम स्थान के लिए मिल रहा है 5,00,000 रुपए और स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़ का गौर मारिया नृत्य श्री चंदन सिंह बघेल और उनके साथी मंच पर आमंत्रित हैं। इन्हें 5,00,000 रुपए की राशि, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। तालियां जोरदार बजनी चाहिए, पुरस्कार राशि की तुलना में तालियों की आवाज भी उतनी ही होनी चाहिए।
यह हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ के पहले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के पहले वर्ग में विवाह और अन्य संस्कार वर्ग में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है। और अब दूसरा वर्ग है पारंपरिक त्योहार और अनुष्ठान का वर्ग, जिसमें सांत्वना पुरस्कार में 1,00,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त किया है, 25,000 का पुरस्कार प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश के भगोरिया नृत्य ने आमंत्रित हैं श्री गोविंद गहलोत और उनके साथी, 25,000 रुपए का पुरस्कार मध्य प्रदेश के भगोरिया नृत्य को, सांत्वना पुरस्कार। तालियां बरकरार रहे। तालियों से अभिनंदन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का।